हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्क ऑफ बिल्डिंग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये जो ऊपर का पार्ट रहता है, इसका अगर इसमें डबक है तो हम डबक कैसे निकाल लेंगे। आज हम उसी के बारे में वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। और कई दोस्तों की ये कमेंट थी कि नीचे के पार्ट के बारे में तो बता दिया है दोस्तों। मैंने नीचे के पार्ट के बारे में भी वीडियो बनाई है, उसके बारे में बताया है कि कैसे उसको, अगर उसमें डबक है या ऐंठ है तो उसका कैसे ऐंठ या डबक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा और आपको ज़रूरत है देखने की, तो मेरे चैनल में आप प्ले वीडियो में देख सकते हो। और ये ऊपर का पार्ट है तो इसके बारे में आज हम बताएंगे। कुछ दोस्तों की कमेंट थी कि ऊपर का पार्ट कैसे चेक करें, नीचे का तो बता दिया, ऊपर का कैसे चेक होगा, तो वही आज दोस्तों उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं ये वीडियो बनाने से पहले दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो दोस्तों, ये है, देखिए आप ये देख सकते हैं, ये पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है, ये घिस चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो गया, किरकल देनी शुरू कर दी इसने, तो ये ख़राब हो गया, तो ये मैंने पार्ट बदला। तो दोस्तों, हम ये हमारा ऊपर का जो साइड है, ऊपर के साइड में हम क्या करेंगे, ये सारी जो यहाँ के पत्ती लगी रहती है, यहाँ पे पत्ती होती है, ये पत्ती हम यहाँ से निकाल देंगे। ये चारों पत्ती निकालने के बाद हम इस पार्ट को बिल्कुल जहाँ कहीं, अगर इसमें हाथ हाथ से फिरा के देखेंगे, हाथ इसमें पूरे पार्ट पे हमें हाथ फिरा के देखना है दोस्तों, यहाँ से वहाँ तक कि कहीं ऊँचा नीचा तो नहीं है। अगर ऊँचा नीचा है तो जिस तरह से ये ग्रैंडर लगा हुआ है, देखिए दोस्तों यहाँ थोड़ा थोड़ा पार्ट फूल गया था, ये देख सकते हैं आप, तो ये ग्रैंडर से हल्का सा घिस सकते हैं, हल्का हल्का, ठीक है। घिसने के बाद ये हमारा पार्ट हो जाएगा बिल्कुल प्लेन। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि हम रखेंगे ये दूसरे वाले पार्ट के ऊपर। ये देखिए, यहाँ पे हमारा ये दूसरा वाला पार्ट रखा हुआ है, हमने इसी के ऊपर रख दिया है, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ठीक है, ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको। और दोस्तों, एक बात और है कि हमारा पार्ट ये भी बिल्कुल प्लेन ही होना चाहिए, अगर इसमें डबक होगी तो फिर इसमें भी डबक दिखाएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो ये बात ध्यान में रखने वाली बात है कि ये पार्ट हमारा, पहले हम इस पर प्रकार लगा के देख लेंगे कि हमारा ये पार्ट बिल्कुल सीधा चल रहा है कि नहीं। तो ये हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, मेरा ये पार्ट बिल्कुल ओके है, बिल्कुल सीधा है, लट्टू की तरह घूमता है ये। तो अब हमने ये इस पर जो है ये बना दिया है, प्रकार बना दिया है हमने प्रकार इस पर। अब हम इसे चेक करेंगे, ये देख सकते हो इस तरह का प्रकार ये है ये दोस्तों, लेवल भी समझ लो आप इसको, या प्रकार बोलो, कुछ भी बोलो। लेकिन अब मैं ये भी बता देता हूँ ये है किस चीज़ का। ये देखिए, हमारा जो नट है इस पे, ये बोल्ट है, हमने इसी पे, ये एल्युमिनियम का तार है दोस्तों, आप देख सकते हो, ये एक वायर है एल्युमिनियम का। तो आप इसको इस तरह से लपेटने के बाद आप इसको ऊँचा नीचा कहीं भी कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, ये फ्री का दोस्तों, बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी आपको चार्ज नहीं देना, कुछ भी कोई पत्ती वत्ती या बनाने का या जुगाड़बाजी करने का कोई भी इसमें कुछ नहीं करना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको क्या करेंगे कि धीरे धीरे घुमाएंगे, और आप देख सकते हो कि मेरा ये पार्ट, आप देखिए मैं घुमा रहा हूँ, शायद आपको इधर से ठीक नहीं दिखेगा, मैं इधर से दिखाता हूँ, ये देखिए आप इसको ऊंचा नीचा कहीं भी कर सकते हो दोस्तों, ये देखिए हल्का सा इसको ऊंचा उठाना, अगर उठाना है तो हमें दोस्तों हम उठा सकते हैं बिल्कुल, ये देखिए, ये देख सकते हो दोस्तों। अगर किसी पार्ट में दोस्तों, ये मैंने अच्छा वाला पार्ट खरीदा है, पार्ट ये दोस्तों A1 का पाइप पार्ट है, A1, ये अच्छा पार्ट है दोस्तों। और ये एक पार्ट है ऊपर का, ये 2100 रुपये का मिला है मुझे। तो दोस्तों, आप भी ख़रीद सकते हो अगर A1 का पार्ट चाहिए आपको, और ये 4200 रुपये का जोड़ा है, डबल पार्ट 4200 का है, तो आप इसको भी चाहो तो ख़रीद सकते हो, अच्छा पार्ट है कंपनी का। और बिल्कुल इसमें मैंने कई पार्ट ऐसे देखे हैं दोस्तों कि एक मेरा दोस्त है वो लाया था पार्ट, तो उसमें मैंने चेक किया था तो उसमें काफ़ी डबक थी, और इसमें आप देख सकते हो कि इसमें बिल्कुल भी डबक नहीं है, यानी कि बिल्कुल सीधा चल रहा है दोस्तों। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल क्लियर दिखाने की, तो ये देख सकते हो आप, यानी ये कहीं भी लग नहीं रहा दोस्तों, और बिल्कुल हवा बराबर, सुई के नोक के बराबर ये हमारा ऊपर है, और बिल्कुल ये तार नहीं हिल रहा, आप देख सकते हो, ये देखिए, ये देखिए,
यानी पूरा बिल्कुल सीधा है। तो ये हो गया तरीका दोस्तों हमारा पार्ट का ऊपर वाले को चेक करने का। तो दोस्तों जिन्होंने कमेंट किया था ये उनके लिए है, जो ऊपर का पार्ट चेक करना चाहते हैं कि ऊपर का पार्ट कैसे चेक करें, क्योंकि उसमें पत्ती लगी होती है, हर किसी को पता नहीं है कि कैसे चेक होगा, या वो फिर क्या करते हैं कि अगर डबक भी होती है तो उसको ऐसे ही चला देते हैं, फिर उसके बाद वो डबक वहीं की वहीं बढ़ती रहती है और कम नहीं होती वो दोस्तों, बढ़ती रहती है। ठीक है, आपने एक बार डबक का पार्ट बांध दिया या ऐंठ वाला तो उसमें वो डबक नहीं निकलेगी, वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं कुछ लोग के नीचे का पार्ट तो डबक निकाल देते हैं नीचे के पार्ट में, लेकिन ऊपर वाले की डबक नहीं निकलती तो उसमें भी गड़बड़ रहती है। अगर आप दोस्तों दोनों पार्ट को लेवल करने के बाद बिल्कुल सही चलाते हो तो ये भी एक निकासी का रीज़न है कि निकासी बहुत अच्छी होगी, आपका फ़ायदा होगा, बिजली कम, मोटर पर लोड कम पड़ेगा और आटा बिल्कुल बेहतरीन आएगा अगर आपके पार्ट की सेटिंग सही है तो। और कुछ लोग, और एक बात और है कि साउंड भी बिल्कुल ये सीधा चलने पे साउंड बहुत कम हो जाती है दोस्तों। बहुत से कई दोस्तों के कमेंट हैं, कितने दोस्तों ने कमेंट किया कि सर मेरा वो चक्की का जो आवाज़ साउंड बहुत करता है, तो उसका क्या होता है कि कहीं से भी एक या ये दो नालियाँ जैसे हमने चेक की, अगर ये उठी रहेगी ठीक है तो ये आवाज़ करती है, या ये उठी ना रहे या ऊपर ना हो तो नीचे हो, दबी रहे लेवल से नीचे रहे, तब ये सारी आवाज़ करेंगी, ये यहाँ से मोटा आटा आएगा। तो हम क्या करेंगे कि दबिश लगाएंगे तो वो जितनी भी लग रही हैं वो सब आवाज़ करेंगे और यहाँ से मोटा आटा आने लगेगा, आता रहेगा जब तक ये घिस ना जाए पूरा, तो उसको घिसने में टाइम लगता है, काफ़ी दिन लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि बेचारे जो लोग हैं जो नए नए हैं या कुछ लोग पुराने भी हैं जो नहीं, जिनको तरीका पता, वो डायरेक्ट पार्ट लाने के बाद ऐसे ही लगा देते हैं, तो उनके लिए है ये दोस्तों वीडियो। और दोस्तों जिन्होंने कमेंट किया है मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और जिन्होंने दोस्तों चैनल भी सब्सक्राइब किया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए, हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे, और चक्की से या इंजन से, अभी मैं एक वीडियो और बन डालने वाला हूँ जो कि इंजन के बारे में, आयसर इंजन जो होता है उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे मिस्त्री साहब हमारे, तो आज उनको टाइम नहीं मिला, जब उनको एक दो दिन में टाइम मिलने वाला है तो मैं उनका वीडियो बनाऊंगा, वो आपको बताएंगे कि क्या इंजन में अगर कोई परेशानी होती है तो कैसे चेक करें, या उसके चक्कर कितने होते हैं, या फिर तेल अगर ज़्यादा ले रहा है तो क्या हो सकता है, उसमें क्या कमी हो सकती है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो लास्ट तक देखिए, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप चैनल नहीं भी कर सकते सब्सक्राइब, डिसलाइक कर दीजिए कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, और जिन दोस्तों ने अपना नंबर दिया मैंने उन्हें काफ़ी हद तक कॉल भी किया, और जो रह गए हैं मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं उन्हें कॉल नहीं कर सका, अगर उनको फिर जो रह गए हैं दोस्तों मुझे याद नहीं है, काफ़ी कमेंट हैं जो रह गए हैं जिनके पास मेरा कॉल नहीं आया, वो फिर से एक बार और कमेंट कर सकते हैं, नंबर अपना दे सकते हैं, तो मैं उनको ज़रूर कॉल करूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।